हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में प्यारी प्यारी सी एनर्जीज के साथ शुरुआत करते हुए हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस वक्त की एनर्जीज क्या है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एंजल्स का नाम, आपसे दरख्वास्त यही रहेगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया बेल आइकन पर सब्सक्राइब दबा दें और बेल आइकन पर ऑल दबा के प्रेस कर दें, है ना। फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए हैं क्या। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचते रहिए, देखते हैं क्या एनर्जीज आती है उनकी। ठीक है, पहला कार्ड आ गया है मई। ज़रूरी हो सकता है आपके लिए मई का महीना कुछ खास हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि मई के महीने में आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, या आपने इनको कोई चांस दिया हो, या आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस रहा हो। तो ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके पर्सन मई के महीने को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अप्रैल, ओह माय गॉड, देखो ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर या फिर जब भी आपका ब्रेकअप हुआ हो वो मई का महीना हो या उसके आसपास का टाइम हो, लेकिन अप्रैल में यहाँ पे दोबारा से फूल खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। दोबारा से देखिए यही वाले फूल खिलने वाले हैं, दोबारा से ये इंडिकेशन है नई शुरुआत की। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, दो कार्ड्स आ गए हैं। ओल्डर मैन, ओल्डर वुमेन, देखिए एक चीज़ मैं देख रही हूँ, ज़रूर से यहाँ पे फैमिली है यहाँ पे, ठीक है, कोई बुज़ुर्ग उनके परिवार के या फिर कोई उनके माता पिता, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर रिश्तेदारों में से कोई और हैं जो लिहाजे में बहुत बड़े हैं, रिश्ते में बहुत बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों को उनकी स्वीकृति नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी, मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन से प्यार बहुत करते हो, मैं देख रही हूँ इनके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स है, और मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हो इनके साथ सेटल होना, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ जब जब ये बारी आती है कि ये आपके पेरेंट्स के पास आएंगे, आपके घर वालों से बात करेंगे, तब आपके अंदर ना एक हिचकिचाहट सी मैं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ ना जाने क्यों आप ऐसा सोच रहे हो, आपके मन में ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन पता नहीं मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं कि नहीं, पता नहीं ये मेरा मैच है कि नहीं। ऐसा आपके मन में इनको लेके डाउट ज़रूर आया होगा जब घर वालों से मिलने की बात हुई होगी। अग्री करते हो? कॉमेंट सेक्शन में लिखो फैमिली, तुरंत लिखिए फैमिली, मैं समझ जाऊँगी। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन आपके लिए खास तो है, लेकिन जहाँ बात आ रही है कि ऑफिशियल बनाना है रिश्ता, आप भी यही चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ डाउट भी है। ठीक है, गेट बैक टू द बेसिक्स, टू मच कंसर्न विद द सेक्सुअल मैटर्स। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही है, कभी कभी आपके मन में ये चीज़ आती है कि हाँ प्यार तो मुझे है और उसकी वजह से मैं आगे भी बढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी, लेकिन आपको ऐसा लगता है क्योंकि काफ़ी सारी अनबन हुई है, काफ़ी सारी बहस हुई है, काफ़ी सारी लड़ाई और काफ़ी सारा मनमुटाव हुआ है इस रिश्ते में, ठीक है, और बहुत बार ऐसा हुआ है इस पर्सन ने माफ़ी मांगने के बाद भी सेम ही चीज़ को दोहराया है, तो आपके मन में ये चीज़ आती है कहीं मेरा फ़ैसला गलत तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अभी के लिए फ़ैसला ले लिया और आगे जाके हमें सेपरेट होना पड़े, ऐसा आता है आपके मन में? कमेंट सेक्शन में लिखो फ्यूचर, किस किस के मन में ऐसा आता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें पहले हो गई हैं, आपको ऐसा लगता है कि जब अभी से ऐसे हो रही है चीज़ें तो आगे का क्या पता, है ना। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप इस रिश्ते को ना हमेशा से सीक्रेट रखना चाहते हो, जब तक ऑफिशियल ना हो जाए आप बहुत लोगों को नहीं बता रहे हो। इसका रीज़न ये भी है, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको जज करेंगे। मैंने बहुत बार देखा है आपके मन में ये चीज़ डाउट आती जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों लोग बोलेंगे इस रिश्ते के बारे में, लोग बात करेंगे,
लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, तो ऐसा लगता है आपको देख के कि आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो, है ना। आप इस पर्सन का साथ भी चाहते हो लेकिन कन्फर्म करने में अभी आपको भी टाइम लग रहा है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, कार्ड आ गया है रोज, रोमांस इन द एयर, ठीक है। क्योंकि मैं भी देख रही हूँ इस पर्सन का हाल, आपके बिना बहुत ही ज़्यादा ढीला है। अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो इस वक्त मुझे बार बार जैसे अप्रैल में फूल खिल रहे हैं और यहाँ पे रोज़ का भी कार्ड आ गया, फूल वो वाले नहीं, करियर, फैमिली, हेल्थ, उसमें तो प्रॉस्पर कर ही रहे हो, लेकिन ये चीज़ ध्यान देखना, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो फॉर श्योर अभी चेंज होने वाली है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। दूसरे चेंजेस मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि सावधान रहना, अगर ये गुलाब का फूल है ना तो इसके साथ थोड़े बहुत कांटे भी हैं। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में अब एंट्री करने वाले हैं ना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी और हैम्पर होंगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके लिए स्ट्रगलिंग फेज़ हो। रोमांटिकली अच्छा है लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसको तवज्जो ज़्यादा देते हो, आप किसको प्रायोरिटी देते हो। अगर आप अपने गोल्स को दोबारा से इग्नोर करोगे और इस पर्सन को प्रायोरिटी दोगे तो हो सकता है ये जो कांटे हैं आपको चुभने लग जाए। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, जो कि पहले से ऑफिशियल हो गया है कि ज़रूर से इस पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत होने वाली है, इसमें कोई दोराहे नहीं है। लेकिन रोमांस के साथ साथ आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, आप बाकी चीज़ों में नुकसान नहीं करोगे, मतलब कि जो इस बार अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखेंगे आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, डिवाइन एक कार्ड और दीजिए हमें, थैंक यू। जल्दी से रीडिंग को एक लाइक तो कर ही देना। हर रीडिंग को अपलोड करते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक रीडिंग डालती हूँ, न्यू रीडिंग लिखा होता है, उसमें एक लिंक होता है, वो देख के ज़रूर जाइएगा। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस, देखिए कार्ड आ गया, और उसके बाद रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओ माई गॉड, ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए यहाँ पे आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने पर्सन की प्रेजेंस को संभालना होगा। यहाँ पे आप खुद के फाइनेंसिस का नुकसान नहीं करोगे, इस चीज़ को लेके बैलेंस आ रहा है, जैसे कि आपने पहले भी किया है। बात करने के चक्कर में, इंतज़ार करने के चक्कर में आप पूरा पूरा दिन लगा के वेट करके, है ना, आपने अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को हमेशा ड्रेन किया है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा इस पर्सन की वजह से अफेक्टेड रही है, ये चीज़ मैं पूरा का पूरा देख पा रही हूँ। इस चीज़ में कोई दोराहे नहीं है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आप खुद की लाइफ के साथ नहीं करना चाहिए आपको। आपको बैलेंस बना के रखना होगा, इनफैक्ट अपनी चीज़ों को ज़्यादा ऊपर रखना होगा, तब जाके ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। वैसे भी ये रिश्ता सक्सेसफुल होने ही वाला है, क्योंकि रोज़ का कार्ड और ब्लॉसम का कार्ड यहाँ पे कन्फर्म करता है कि डिवाइन आपके पास उनको भेज रहे हैं, क्योंकि डिवाइन को लगता है कि ये सही टाइम है। लेकिन याद रखना, ये आपका टेस्ट होगा एक तरीके से, ये आपको फिर से परखा जाएगा, आपको फिर से जांचा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आप पहले के लेसन सीखे हो या नहीं। और जैसे बोला था कि गुलाब के साथ कांटे हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने कहा था ना, ये हो सकता है कि आपको उनका वापस आना खुशियों से भर दे, लेकिन ये देखो, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, ये चीज़ याद रखना। अगर आप इम्प्रूवमेंट देखोगे तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन में कोई चेंज नहीं आया है, वो पर्सन वही पैटर्न दोहरा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, तो फिर आपको वहाँ पे रुक जाना है। हो सकता है कि चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाए, इससे बेहतर है कि आप चीज़ों को वहीं संभाल लो। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आपके पर्सन ही आपके ख़िलाफ़ जाएं और आपको समय रहते वो चीज़ देख लेनी है, दूसरा आप ही खुद के अगर अगेंस्ट जा रहे हो, है ना, खुद की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उस चीज़ को लेकर भी मैं आपको वॉर्न करना चाहूँगी, आपको उस चीज़ को लेकर भी सावधान रहना है। रीडिंग का फीडबैक ज़रूर से देना। दो चीज़ें आ गई है, लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। दूसरा है आउल का मैसेज आया है, ये नहीं कि आप गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन, जैसे कि हो सकता है वो वाइस पर्सन मैं ही हूँ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आपके दोस्तों में से, आपके बड़ों में से कोई अगर एडवाइस दे तो ध्यान रख लेना, ये एंजल्स आपके बड़े के थ्रू उनकी वॉइस में बोल रहे हैं।
एडवाइस आपको मिलती रहेगी, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा, अपनी फैमिली से क्लोज रहिएगा, क्योंकि जब जब दूरियाँ बनेगी वहाँ पे आप उस तरफ जाओगे और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हमेशा अपने गुस्से पे काबू रखना है, ठीक है। समवन अगेंस्ट यू इज़ वर्किंग बिहाइंड योर बैक, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये तरीके से वार्निंग है, ठीक है। आपको हमेशा अपने उस पर काबू रखना है, क्योंकि काबू रखोगे तभी चीज़ों को शांति से देख पाओगे। आपके अगेंस्ट कौन है, आपके साथ कौन है, ये चीज़ भी आप भांप पाओगे अगर आप शांत रहोगे। अगर आपको चीज़ें दिखाई देंगी गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा प्यार में, आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वो डिसीजन हो सकता है कि आपके खिलाफ़ हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, किसी भी तरीके से इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में विद न्यू एनर्जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड बाय बाय।